थी कि किसी भी कारण से हमारे कपड़े में इस तरह से छेद हो जाता है, ये किसी चीज के कटने के कारण हुआ है, या फिर किसी चीज में कील वगैरह में जैसे कपड़ा अटक जाता है तो फट जाता है, या फिर चुन्नी वगैरह रहती है कई बार अगर अगरबत्ती हमारे घर में हम जलाते हैं उसके कारण भी कपड़े में छेद हो जाता है, तो वो कपड़ा जो है फटा हुआ बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। उसे हम कोशिश करते हैं कि इसे हम ठीक करवा लें, लेकिन कई बार कई जगहों पर रफू का काम भी नहीं होता है तो हम उसे ठीक नहीं करा कर पहन सकते हैं। अगर उसे हम ठीक नहीं करा सकते हैं तो हम घर में ही किस तरह से अपने फटे हुए कपड़े को ठीक कर सकते हैं, वो तरीका बता रही हूँ। इसमें हम सुई धागे का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ना ही कोई इसी प्रकार की कोई मशीन का यूज करेंगे, हम घर में बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। आपको मैं एक कपड़ा जो मैंने ठीक करा था वो करा हुआ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लोवर है, इसके अंदर दो जगह छोटे छोटे से छेद हो गए थे, उसके कारण इसे पहनने पे बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लग रहा था, फटा हुआ हम पहन नहीं सकते हैं, रफू हो नहीं पा रहा था। इसे मैंने घर में ही रफू करा है, आप देखिए ये मैंने रफू यहाँ पर करा है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसे मैंने रफू करा है। ये देखिए एक जगह ये है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे जब आपको ये नजर आएगी, बिल्कुल हल्का सा ये है और बिल्कुल हल्का ये है। इसे मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ, ये देखिए कि मैंने इसे यहाँ से रफू करा है, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पर करा था। पीछे से देखने पे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से कपड़ा जो हमारा फटा हुआ, ये देखिए इस तरह से खींचने पे भी ये नहीं निकलता। इसे आप वॉश भी कर लेंगे तो भी इसमें से जो हमने चिपकाया है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, इसी टाइप का कपड़ा थोड़ा सा हमें चाहिए। अब जैसे इसकी सिलाई करी हुई है, इसे आप टर्न करके देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर मुझे ये कपड़ा जो है ये नजर आ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे काट लूंगी। इस साइड में दिया हुआ रहता कपड़ा, ये देखिए इस तरह से मैंने इसे यहाँ से थोड़ा सा काट लिया है और इस तरह से मैंने इसे बाहर कर लिया है। मार्केट में आसानी से रिविल सिविल टेप मिलती है, दोनों साइड से चिपक जाती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती है, देखिए बिल्कुल भी आपको ये नजर नहीं आएगी। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा रहता है जो ये दोनों कपड़ों के बीच में से अगर हम लगाते हैं तो ये आसानी से चिपक जाती है। ये देखिए बिल्कुल डार्क कलर है इसलिए आपको ये वाइट नजर आ रही है, लाइट कलर के ऊपर तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। इसे भी हम जितना बड़ा हमारा कपड़ा है, जैसे फटा हुआ है उससे हमने थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लिया है, इसी कपड़े से थोड़ी सी छोटी हमको ये टेप काटना है। ये देखिए कपड़े से थोड़ी सी छोटी मैंने टेप काट ली है। कपड़े को आपको ध्यान रखना है कि उल्टा कपड़ा किस तरफ है, डार्क को लाइट शेड देखने के बाद ही लगाइए। ये देखिए ये पीछे साइड से जो है ये कपड़ा हमारा उल्टा है और ये सीधा कपड़ा है। सीधा कपड़ा आपको ऊपर रखना है, उसके ऊपर ये जो हमने टेप को काटा है रिविल सिविल टेप को, इसको आप रख दीजिए। टेप वाला हिस्सा आपको इसके ऊपर रखना है, इसे हम उल्टा करेंगे या फिर हम इस तरह से अंदर कर देंगे, इसे मैं आपको उल्टा करने के बाद ही अच्छे से बताती हूँ। ये देखिए पेंट को मैंने उल्टा कर दिया, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर आप कर दीजिए ताकि इसके जो रुए वगैरह इसमें नहीं निकले, वैसे तो अगर रुए वगैरह जो इसके धागे वगैरह रहते हैं अगर वो निकल गए तो इसे आप बिल्कुल अलग कर दीजिए, थोड़ा सा काट के बराबर। इसे हमने पहले ही सेट करके रखा था, इसे आपको इस तरह से रखना है, इस तरह से मैंने इसे दबा दिया थोड़ा सा, बिल्कुल अब हमारा जो कपड़ा है जादू की तरह चिपक जाएगा। इसे अच्छे से आपको सेट करना है, मैंने एक गर्म प्रेस ली है, कुछ सेकंड रखिए इसे चलाते जाइए, कुछ सेकंड रखिए और इसे चलाते जाइए, क्योंकि एक बार में अगर हम ज्यादा गर्म प्रेस इस पर रख देंगे तो जो हमारा कपड़ा है वो जल भी सकता है। इसे हमें कंटिन्यू 1 मिनट तक इसी तरह से करना है, रुकते जाइए और चलाते जाइए। ये देखिए 1 मिनट का समय हो चुका है, बिल्कुल ये हमारा जादू की तरह चिपक चुका है, बिल्कुल भी ये नहीं निकलेगा। कपड़े को हम सीधा कर लेंगे, काफी अच्छे से ये हमारा पूरा चिपक चुका है। ये देखिए
इस तरह से खींचने पे भी ये नहीं निकलेगा, ना ही ये फटेगा, पानी लगता जाएगा। देखिए आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है, ये इस तरह से अगर प्लेन कपड़ा रहेगा तो थोड़ा सा आपको निशान दिखेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ हुआ है, ऐसा पता नहीं चलेगा कि फटा हुआ। ये देखिए बिल्कुल भी गड्ढा हमें नजर नहीं आ रहा, पूरा अच्छे से ये चिपक चुका है। ये देखिए अब जैसे कोई प्रिंटेड कपड़ा रहता है जैसे साड़ी वगैरह, उसमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ये देखिए आपको साड़ी दिखा रही हूँ मैं, पता नहीं किस चीज से मेरी फट गई थी, नई की नई साड़ी थी, बिल्कुल भी ये पहनने के काम में नहीं आ रही थी। ये देखिए दो से तीन जगह इस तरह से कट जैसा इसमें लग गया था। इसके लिए आपको क्या करना है, साड़ी का जो अंदर वाला हिस्सा रहता है, क्योंकि साड़ी क्या है पूरी एक ही प्रिंट है हमारी, तो इसे आप इतना काट कर अलग कर लीजिए, थोड़ा सा कपड़ा जो है इसका अलग कर दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा मैंने काट कर अलग कर लिया है, इसी हिसाब से थोड़ा सा हम इसे कट कर लेंगे, लेकिन उल्टे सीधे का आपको ध्यान जरूर रखना है। अगर आप उल्टा कपड़ा चिपका देंगे तो जो कलर है वहां पर वो अलग दिखेगा। इसे मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से ये कपड़ा काट लिया है, इसी के नाप से मैंने ये टेप को भी कट कर लिया है। कपड़ा उल्टा सीधा आप जरूर ध्यान रखिए, यहां से ये सीधा है और ये पीछे साइड से उल्टा है, जो उल्टा हिस्सा है उसे आपको नीचे ही रखना है। देखिए यहां से जो हमारी साड़ी कटी हुई है उस हिसाब से इसे हम सेट करेंगे, बिल्कुल बराबरी से ही आपको ध्यान रखते हुए करना है ये काम। जितने अच्छे से इसे आप सेट करके लगाएंगे उतना कम से कम ये हमारा फटा हुआ दिखेगा। ये देखिए ये दोनों चीजें अच्छे से हमारी सेट हो गई है, जो हमारा ये फटा हुआ है थोड़ा सा तिरछे में है, तो मैंने भी इसे थोड़ा सा इस तरह से तिरछा पकड़ लिया है। बस यहाँ पर इसे आपको रखना है, कपड़ा साड़ी का जो काफी ज्यादा पतला रहता है इसे आप अच्छे से इस तरह से पास पास में कर दीजिए। आप देखिए बिल्कुल मैंने इसे पास कर दिया है, थोड़ा सा हाथों से इसे आप दबा दीजिए। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया दबाकर, मैंने गरम प्रेस लिए, बस हल्के हल्के से इसे चलाते जाइए और रुकते जाइए, कंटिन्यू नहीं चलाना है, थोड़ा सा चलाना है फिर रुकना है। प्रेस आपकी अच्छी गरम है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एकदम ज्यादा गर्म प्रेस पे अगर इस पे हम चला देंगे तो कपड़ा जो है हमारा चिपक जाएगा, क्योंकि कपड़ा जो है साड़ी का चिकना रहता है, इसलिए रुक रुक के इसे आप चलाते जाइए। ये देखिए ये फटा था, इसके पास वाला मैंने ये रिपेयर करा था, आप दूर से देख के तो बता ही नहीं सकते कि इसे हमने यहां से रिपेयर करा। ये देखिए आपको यहीं से मैं दिखा रही हूँ टर्न करके, ये देखिए जो हमने कपड़ा चिपकाया था वो ये रहा, ये भी अच्छे से चिपक चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा है एक्स्ट्रा है, उसे आप यहाँ से ये देखिए जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है उसे कैंची से आप कट कर सकते हैं। देखकर तो आप बता ही नहीं सकते कि यहां से हमने इसे रफ कर दे, बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, जब आपको थोड़ी सी प्रिंट ऊपर नीचे नजर आएगी, इतना पास से जूम करके देखने पे। साड़ी अगर आप पहनेंगे, साड़ी अगर आपकी कोई भी देखेगा दूर से ही देखेगा पता ही नहीं चलेगा कि इसे हमने रिपेयर करा। ये देखिए बिल्कुल सरल, बिल्कुल कम खर्च में घर में आसानी से इसे आप रफू कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान तरीका बताया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।